एक गांव में एक काले नाम का चोर और उसके दो सिपाही थे। अरे भोलू, आज किसके घर पर चोरी करें? कालिया बॉस, आज तो लखन सेठ के घर चोरी कर लेते हैं। वह तीनों मिलकर आपस में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। हाँ भोलू, वहाँ पर बहुत सारा धन मिलेगा। और प्लानिंग बनाकर अगले ही दिन कालिया चोर अपने साथी के साथ सेठ के घर पहुँच जाता है। सेठ आराम से सोया हुआ होता है। मौके का फायदा उठाकर कालिया चोर का साथी वहाँ से धन की पोटली उठाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। कालिया चोर भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। सेठ जी बेचारे आराम से उठते हैं और देखते हैं कि उनकी धन की पोटली वहाँ नहीं है। अरे बाप रे, मेरे घर में तो चोरी हो गई है, चोर मेरे घर का सारा सामान ले गए हैं। सेठ जी की चिल्लाने की आवाज सुन आसपास के सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। अरे लखन भैया, ये क्या अनर्थ हो गया? अरे लखन भाई, लगता है काली पहाड़ी वाले चोरों ने चोरी की है। रामू काका, आपके घर का तो सारा सामान ही चोरी हो गया है। इसु, इन चोरों का तो सबक सिखाना होगा। इसु पायल, हम इन चोरों का मुकाबला नहीं कर सकते, हमें इनका मुकाबला करने के लिए दरोगा जी को बुलाना होगा। कुणाल की बात मान इसु दरोगा जी को फोन लगाती है और चोरी वाली सारी घटना दरोगा जी को बताती है। मेरो बलम थाने दर चलावज पसी, मेरो बलम थाने दर चलावज पसी। दरोगा जी गाना गाते गाते लखन सेठ के घर पहुंच जाते हैं। बच्चों, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन बच्चों पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हम जब भी उन चोरों को पकड़ने जाते हैं, वह गुफा के दूसरे दरवाजे से भाग जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए दरोगा जी, हम उन चोरों को बहला फुसला के उस गुफा से बाहर निकालेंगे। दरोगा जी, आप गुफा के बाहर ही खड़े रहना, जैसे ही चोर आए तो उन्हें पकड़ लेना। अरे वाह कालिया बॉस, आज तो बहुत सारा धन चोरी कर लिया है। हाँ भोलू, आज तो मजा ही आ गया। तीनों बच्चे गुफा में पहुंच जाते हैं। कालिया चोर, अब तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है, अब तुम नहीं बचोगे। कालिया चोर बच्चों को देखकर घबरा जाता है। कालिया चोर, अगर तुझमें हिम्मत है तो पहले हम तीनों को पकड़ के दिखा। तीनों बच्चे गुफा से भाग जाते हैं और वो चोर भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। इसु पहले ही गुफा से बाहर आकर दरोगा जी के पास खड़ी हो जाती है और वो दोनों चोरों के आने का इंतजार करते हैं। अब कहाँ जाएगा कालिया चोर, अब भाग कर दिखा। शाबाश बच्चों, आज तुम तीनों ने इस कालिया चोर को पकड़ाने में हमारी मदद की है। क्यों कालिया चोर, कैसा रहा हमारा सबक? कोई बात नहीं दरोगा जी, गांव वालों की मदद करना हमारा भी फर्ज है। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि प्रशासन और जनता को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए।